चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले बनाया है पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए लिया है ऑयल 1 टेबलस्पून और उसमें ऐड किया है ऑनियन 2 टेबलस्पून और गार्लिक 1 टीस्पून। ऑनियन और गार्लिक को फ्राई करने के बाद हमें ऐड करना है टमाटर का पेस्ट। मैंने टमाटर को थोड़ा सा पानी मिलाकर ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें मिलाएंगे केचप 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, शुगर 1/2 टीस्पून, ओरिगेनो 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पानी ड्राई होने तक 20 से 30 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून केचप और 1 टीस्पून हॉट सॉस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ इजी और टेस्टी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है और हम इसको 2 मंथ तक फ्रीज भी कर सकते हैं।